दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी ने इस टॉपिक के लिए कई बार कहा था कि 2019 में कौन सी जॉब्स आएंगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी जॉब कब कब निकलती है और किस तरीके की जॉब आपको 2019 में देखने को मिल सकती है और इसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से टेस्ट देने हैं और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको एक जस्ट अपडेट देना चाहूंगा कि आईबीपीएस की वैकेंसी को हम लोग ये मानते हैं कि इसका कैलेंडर आता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट कब कब आने वाली है। साथ में एक चीज और बताएंगे कि एसबीआई जो है इसकी उम्मीद हम लोग 2019 में कर सकते हैं कि पीओ की और क्लर्क दोनों की वैकेंसीज आए, और जो ये जॉब्स निकलती हैं ये आपकी कब किस टाइम पर आती है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और तीसरा क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर का, ठीक है। और एक आपके मन में डाउट होगा कि इतने सारे एग्जाम पूरे साल में होते हैं तो हम इनके लिए किस तरीके से तैयार करें, कौन से टेस्ट दें और कहां पर हमें रिलेवेंट मटेरियल मिलेगा। ओके, तो मैं यहां पर आपको एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि आप कहां पर सारे के सारे जो मैंने अभी आपको एग्जाम्स बताए उनको आप दे सकते हैं। अब अगर एक एक करके सारी वैकेंसीज के मैं आपको नाम बताऊं तो यहां पर देखो ये आईबीपीएस के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि आईबीपीएस का क्लर्क का एग्जाम होता है, आईबीपीएस पीओ होता है, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसमें आईटी ऑफिसर की पोस्ट होती है, मार्केटिंग की होती है, बहुत सारी पोस्ट इसमें निकलती हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि आरआरबी में ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 के लिए रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। और आरआरबी का मल्टीपर्पज का एग्जाम जिसको हम कहते हैं क्लरिकल लेवल का, तो ये सारी पोस्ट हर एक साल श्योर है आती है। इसका कैलेंडर एक आएगा आईबीपीएस का कैलेंडर, उसमें यह बता दिया जाएगा कि ये वैकेंसीज कब कब आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो सारी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है जुलाई के आसपास में, ठीक है। जुलाई में इंटीमेशन देखने को मिल जाएगा और जुलाई अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर ये देखें कि एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई एसओ है, ये वाले एग्जाम कई हद तक हम ये देखते हैं कि मई जून में इसका इंटीमेशन आपको देखने को मिलता है और एग्जाम भी जुलाई से पहले हो जाते हैं, ठीक है। ये जो क्लरिकल और पीओ की हम बात करें तो आप अभी से 2019 स्टार्ट हुआ है जस्ट, ठीक है। तो जनवरी में आप लोग अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करें तो काफी हद तक आप इन एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप ये देख लें आरबीआई का ग्रेड बी होता है, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम आता है, ठीक है। तो ये एग्जाम भी हमें देखने को मिलते हैं और इसमें भी रिक्रूटमेंट आते हैं। और आगे आप देख लो जो पीजीडीबीएम वाले एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो जो मणिपाल के प्रोग्राम होते हैं जिसमें मणिपाल के थ्रू वैकेंसी जो फिल की जाती हैं उसमें क्या क्या है, इंडियन बैंक है, कैनरा बैंक है, सिंडिकेट है, देना बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये 5 बैंक के एग्जाम्स हर एक साल आपको देखने को मिलते हैं, इसमें भी वैकेंसीज आती हैं। और आप लोग अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके थ्रू भी आप पीओ बन सकते हैं, ठीक है। और एक आईडीबीआई का एग्जाम यहाँ पर और मेंशन नहीं है, आईडीबीआई का एग्जाम भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो एनआईसीएल का असिस्टेंट हो गया। अभी देखो एओ की पोस्ट जो है अभी ओपन है, इसका एग्जाम आपका जनवरी में होना बाकी है, तो एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ का हो गया आपका। और आप ये देख लें ईएसआईएस, ईएसआईसी, एससीओ, ठीक है। और नाबार्ड है, सेबी का ग्रेड ए का एग्जाम होता है, असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम होते हैं इनके। और एलआईसी को हम एक्सपेक्टेड जोन पर रख सकते हैं 2019 में, क्योंकि बहुत टाइम से एलआईसी की वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, तो एओ की पोस्ट हो सकता है आपको ये एग्जाम देखने को मिले, ओके। और भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स है, ओरिएंटल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये वैकेंसीज हम देख सकते हैं। अब इतने सारे एग्जाम्स हैं, इनकी तैयारी हम कैसे करें, कौन से ऑनलाइन टेस्ट दें, तो मैं आपको एक यही बताना चाहूँगा कि आप एक साल की अगर कोई टेस्ट सीरीज ले लें उससे का सब कुछ हो सकता है, ओके। और इनकी टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि जुलाई से पहले आपको देखने को मिल सकता है एसबीआई का एग्जाम, और जो मेजर है आईबीपीएस वो आपको जुलाई अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप जो है जनवरी ऑनवर्ड से तैयारी स्टार्ट करें तो लगभग आपको 5-6 महीने मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम को तैयार करने के लिए। तो अभी मैं इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बहुत सारी जॉब जो है उसमें ग्रेजुएशन ही केवल होता है और परसेंटेज क्राइटेरिया लगभग 80% जॉब में नहीं होता है, कुछ मणिपाल के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें होता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो आपका आईबीपीएस है या फिर आपका जो एसबीआई है इसमें ग्रेजुएशन केबल मांगते हैं वो, ठीक है। और जो एज होती है वो पीओ में आप देखते होगे 30 और 28 क्लरिकल में ऐसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारी ऐसी वैकेंसी होती हैं जिसमें जो अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, वो लोग भी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट भी। लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं जिसमें केवल ग्रेजुएटेड की ही एंट्री होती है, जिसने अपना ग्रेजुएशन नोटिफिकेशन की डेट तक कर लिया है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। आईबीपीएस का नोटिफिकेशन जुलाई के बाद आता है, तो अगर आप लोग इस 2019 में ग्रेजुएटेड हो रहे हैं और आपका रिजल्ट जो है जून के आसपास में आ जाएगा तो आप आईबीपीएस में तो अपीयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इतने सारे एग्जाम हैं, इनका सिलेबस कैसा क्या होता है, तो देखो क्लरिकल लेवल और पीओ लेवल केवल हम दो में कैटेगरी करेंगे, लेकिन जो टॉपिक होते हैं वो सब में सेम होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि एक आपका जैसे पजल सेटिंग अरेंजमेंट हो गया और एक आपका हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये क्लर्क में भी आएगा, पीओ में भी आएगा, हर एक जगह पूछाएगा, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी है और लेवल है वो अलग अलग जगह वेरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी, तो पीओ में उनका लेवल अच्छा होता है, क्लर्क में बेसिक होता है। अरिथमेटिक के टॉपिक हो गए वो आपको पढ़ने होंगे। तो मैं सिलेबस के ऊपर एक आपको बिल्कुल अलग से बता दूंगा कि एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या है, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का सिलेबस क्या है, ताकि आपको डाउट ना रहे वहां पर पीओ और क्लरिकल के साथ में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने सिलेक्शन को और नजदीक ले जाएंगे, ओके। तो प्रैक्टिस के लिए इतने सारे एग्जाम्स हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं कि एक साल का अगर आप practicemock.com का जो प्रो पैक है 2019, इससे आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो ये पैक अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेस करते हैं तो 1499 में आपको मिलता है, लेकिन हमारे साथ इनका कोलैबोरेशन है और हम चाहते हैं कि आप CAF 499 ये कूपन कोड यूज करके 1000 रुपए में जितने भी ये एग्जाम्स हैं, लगभग इसमें आपको बहुत सारे 500 के आसपास टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा और कुछ सोल्यूशन की वीडियो हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको यूज करके आप इन टेस्ट को दे सकते हैं और इनकी वैलिडिटी जो है वो 2020 तक आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं कहूं कि आपने अभी 2019 में ये टेस्ट ले लिया तो फरवरी 2020 तक ये वैलिडिटी आपको मिलेगी। और सबको जितने टेस्ट मैंने अभी आपको बताए ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये इस टेस्ट सीरीज में कवर होते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप जाएं, जाकर फ्री मॉक इसका अटेम्प्ट करें, लेवल देख लें, आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट, हर एक टेस्ट का एक आपको फ्री मिल जाएगा। तो पहले आप फ्री मॉक दोगे, आपको लेवल पता चलेगा क्या है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज आएंगी उनका सिलेबस और उनके बारे में इस चैनल पर आपको प्रॉपर हर एक चीज मिलता रहेगा। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है practicemock.com का, वहां पर जाकर आप ये ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, तो हमारे साथ बने रहें। और भी बहुत सारे क्वांट वगैरह के टॉपिक यार एज इट इज चैनल पर आते रहेंगे, आप लोग इसी तरीके से अपना जो आपका प्रेम है वो दिखाए रखें इस चैनल के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।